लैपटॉप या फिर पीसी पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है, आप लैपटॉप या फिर पीसी पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट तरीका है और आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर स्क्रीनशॉट काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू सॉल्यूशन, मैं हूँ प्रिंस और आज की वीडियो में हम पीसी या लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट लेने का कम्प्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप या पीसी में एक परफेक्ट तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पर सर्च करना है प्रिंट स्क्रीन। आपको यहां पर फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी print.sc। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है लाइटशॉट। लाइटशॉट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड लाइटशॉट फॉर फ्री, आप इस पर क्लिक करें। आपको एक न्यू पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहां पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप विंडो के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मैक के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी विंडो के लिए डाउनलोड करने वाला हूं, तो डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करें। यह अपने नाम की तरह ही काफी लाइट सॉफ्टवेयर है, जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको यहां से ओपन कर लें। उसके बाद ओके पर क्लिक करें, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है, प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप एरिया यहां से सेलेक्ट कर लें, आप कितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप इस एरिया को छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये अपलोड का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी, जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया था। अपलोड होने के बाद यहां पर इसका लिंक जनरेट हो जाता है, आप यहां से कॉपी पर क्लिक करके इसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अब आप इसको कहीं पर भी शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद इस लिंक पर जो भी क्लिक करेगा उसके सामने आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया था उतना स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट यहां पर आ चुका है। इसके बाद मैं एक और स्क्रीनशॉट लेने वाला हूं, मैं यहां प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करूंगा, फिर एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने टूल्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है शेयर का, आप किसी भी सोशल नेटवर्क पर इसको यहां से शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां थर्ड ऑप्शन मिल जाता है गूगल सर्च का, अगर आप इसके जैसी इमेज गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। इसके जैसी जो भी इमेजेस गूगल पर होंगी वो सभी आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद आपको यहां फोर्थ ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, आप इसको डायरेक्ट यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर आपको यहां फिफ्थ ऑप्शन मिल जाता है कॉपी का, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप कोई भी दूसरी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मैंने ये वर्डपैड ओपन किया हुआ है, आप यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद आपके सामने जो भी आपका स्क्रीनशॉट था वो यहां पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन सेव का मिल जाता है, आप Ctrl+S प्रेस करके भी इसको सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहां पर क्लिक करके भी इसको अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सेव आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोल्डर ओपन हो जाएगा, आप इसको जहां भी सेव करना चाहते हैं फोल्डर सेलेक्ट करें, फिर सेव पर क्लिक करें। सेव करने के बाद अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी आपको काफी HD मिल जाती है। इसी तरह से आपको यहां एडिटिंग के लिए भी कुछ टूल्स मिल जाते हैं, आपको यहां एक पेन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपने स्क्रीनशॉट पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है जो अलग से हाईलाइट हो तो आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं। आपको यहां एक लाइन का टूल भी मिल जाता है, आप इस टूल की हेल्प से अपने स्क्रीनशॉट में लाइन डाल सकते हैं। किसी भी सेंटेंस या वर्ड को अंडरलाइन या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए आप यहां लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां एक एरो का टूल मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहां पर आप क्लिक करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट में एरो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्क्रीनशॉट में एक रेक्टेंगुलर शेप ऐड कर सकते हैं। आपको यहां मार्कर मिल जाता है, अगर आपको अपने स्क्रीनशॉट में कुछ टाइप करना है तो टाइप करने के लिए आपको यहाँ टेक्स्ट का एक टूल मिल जाता है, आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने टूल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें, फिर अगर आप कोई टूल यूज करते हैं तो आपको ये टूल इस कलर में दिखाई देगा। और अगर आप अपनी एडिटिंग को अंडू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर Ctrl+Z से भी अपनी एडिटिंग को अंडू कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपनी एडिटिंग को अंडू कर सकते हैं।
इसके साथ ही अगर आपके पास कोई इमेज है और आप उसका लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली print.hc की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्राउज इमेजेस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी इमेज का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं सिंपली आप उसको सेलेक्ट करें और उसको यहाँ पर अपलोड कर लें। अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अगर आप इसको शेयर करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके सामने वो इमेज आ जाएगी जिसका भी आपने लिंक क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर शो हिडन आइकन्स पर आएंगे, आपको यहाँ लाइट शॉट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से होट की सेटअप कर सकते हैं कि आपको कौन सी की से अपना स्क्रीनशॉट लेना है। आप यहाँ पर उस की को टाइप कर दें जिस भी की से आप अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। इसके बाद आप यहां ओके पर क्लिक करें तो आपके होटकीज की सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको यहां फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके अपनी इमेज का फॉर्मेट यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको किस फॉर्मेट में अपनी इमेज या फिर स्क्रीनशॉट चाहिए, आपको यहां जेपीईजी और पीएनजी दो तरह के फॉर्मेट मिल जाते हैं। आप फॉर्मेट यहां से सेलेक्ट कर लें, ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आप प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करें और अपना एरिया सेलेक्ट करें। अपना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहां से इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह आप लाइट शॉट सॉफ्टवेयर की मदद से अपने पीसी या लैपटॉप में काफी आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस इमेज या फिर स्क्रीनशॉट का लिंक भी जनरेट कर सकते हैं और उस स्क्रीनशॉट में कोई भी एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।